गाइस ये हम कार्तिक को छुरिया दे रहे हैं कि उसकी एक भी बार पतंग अभी तक नहीं उड़ पाई है, तो देख सकते हैं आप लोग कार्तिक खड़ा है, ये पतंग है। सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन ब्लॉगर कार्तिक। सो गाइस आज वो वक्त आ गया है, और गाइस पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरे बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे थे, इसलिए कि मेरे पेपर चल रहे थे, अभी भी चल रहा है, पर मैं व्लॉग बना रहा हूँ। और गाइस आज है 26 जनवरी 2023, आज है बसंत पंचमी, और है हैप्पी रिपब्लिक, आज है रिपब्लिक डे, तो आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे और हैप्पी बसंत पंचमी। तो आज बसंत पंचमी है और छत पे मैं आ गया हूँ, और बहुत सारी पतंगें उड़ने भी लगी हैं और पेज कट रही है, तो बहुत मज़ा आएगा भी आज हम लोग भी पतंग, मैं कल पतंग ले आया था, तो अभी मैं आपको अपनी पतंग दिखाऊंगा, और आज का मैं पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा, और आज रात बनेगा पीला खाना, मतलब कि पीला खाना येल्लो फूड बनेगा आज पूरे दिन। तो अभी यहाँ पे आसमान में बहुत सारी पतंगें उड़ भी रही हैं, तो अभी हम भी उड़ाएंगे और आज पीली पीला वो येल्लो येल्लो खाना खाएंगे, बिल्कुल बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो आप लोग इन्जॉय करना एंड तक की बने रहिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस मैं छत पे आया हूँ, तो वो देखो पतंगे कितनी उड़ने लगी हैं, उधर उधर देखो बहुत ही ज़्यादा, और गाइस कल बारिश हो रही थी तो उसके कारण ज़्यादा लोग उड़ा नहीं पाए, और आज बसंत पंचमी वाले दिन बहुत सारी पतंगे उड़ रही हैं, और भी मैं आपको ले चलता हूँ कि दिखाते हैं, और पीली पतंगे भी उड़ रही है, वो आप लोग देखिए एक, अभी मैं भी उड़ाऊँगा। तो गाइस मेरे दोस्त तो सब लोग उड़ाने लगे, बहुत ही अभी तो सुबह ही हुई है, शाम तक की बहुत पतंगे उड़ेंगी, तो अभी मैं आपको पूरा दिखाऊँगा। और गाइस आज मम्मी तहरी बना रही हैं नीचे, और अभी मैं आपको पहले नीचे ले चलता हूँ, अपनी पतंग दिखाता हूँ, पतंग मेरे पास कितनी सारी हैं। कुछ मेरे हाथों से छूट भी चुकी है जो मैं पकड़ नहीं पाया, अब मैं इस पतंग में करने बांध रहा हूँ, तो आपको उड़ा के दिखाता हूँ। Three hours later. Two thousand years later. सो गाइस ये हम कार्तिक को छुरिया दे रहे हैं कि उसकी एक भी बार पतंग अभी तक नहीं उड़ पाई है, तो देख सकते हैं आप लोग कार्तिक खड़ा है, ये पतंग है। सो गाइस अभी मैं पतंग उड़ाने के बाद नीचे आया हूँ, और मम्मी ने तहरी बनाई है, उसको खाते हैं, आपको दिखाते हैं।
बहुत ही टेस्टी तहरी लग रही है, और बस अभी मैं जल्दी वल्दी खा के इसको फिर मैं छत पे जाता हूँ, और अभी पतंग उड़ाना बाकी है। और अभी बज रहा है 1 बज चुका है घड़ी में, आप लोग देखते हैं सामने आपको वहाँ पे दूर पतंगे दिख रही होंगी, कैमरे पे तो नहीं आ रहा बट हम नॉर्मली देख रहे हैं तो हमको पतंगे दिख रही हैं। और यहाँ पे कार्तिक जो है पतंग उड़ाने का अथक प्रयास कर रहे हैं बट इनसे पतंग उड़ नहीं पा रही है, तो अभी हम भी ट्राई करेंगे पतंग उड़ाने का। और हवा जो है शायद से इस डायरेक्शन में चल रही है, तो यहाँ पे कार्तिक की पतंग ऊँची भी हो गई और आज हवा बहुत साथ दे रही है। आसमान में देख सकते हैं फ्रेंड्स अलग अलग रंग बिरंगी पतंगे हैं। सही जोड़ा छूट कैसे गई, उड़ाओ तो ना, छूट कैसे गई, हम भी उड़ाएंगे। ए, क्या कर रही तुम? अभी मैंने 3 पतंगे काटी, वो भी एक पतंग से। ओहो भाई 3 पतंगे काट दी तो ऊपर आसमान में क्या कहते हैं पेच हो रहे हैं वहाँ पतंगों के। तो यहाँ पे कार्तिक जो है आप पेच लड़ाने जा रहे हैं दूसरी पतंगों से, और एक पतंग कट भी गई है कार्तिक की, ये ब्लू वाली पतंग है जो उड़ रही है। तो अभी हम भी कोशिश करेंगे क्योंकि हमसे तो उड़ती नहीं है। कहाँ रखे तो फ्रेंड्स फाइनली कार्तिक की पतंग इतनी ऊंची जो करी थी ब्लू वाली वो कट चुकी है, कार्तिक अब इस मंजे को समेट रहे हैं। तो कार्तिक अब अपनी मंजा समेट रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं और भी पतंगे उड़ रही हैं साइड को पीछे। कार्तिक क्या क्या करो यहाँ पे, हम पीछे अच्छा तुम्हारी एक चरखी वो पड़ी, एक ये है और पीछे जाएं। अरे कहाँ जा रहे भाई, अच्छा वो पतंग उसकी थी, कार्तिक मंजा लूटने में लगे थे। अरे रुको ना भाई, बस तू हम गिरा ना देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं और भी पतंगे उड़ रही हैं। हम कितनी दूर आ गए फ्रेंड्स, अब ये क्या तुम करो क्या, तो फ्रेंड्स पता नहीं ये लड़का क्या कर रहा है, मुझे मंझा पकड़ा दिया है और पता नहीं अपने ही दुनिया में है, उधर मौली को पकड़ाया है इधर हमको पकड़ाया है और कह रहा है पता नहीं पकड़े रहो, बस पकड़े ही हैं। अच्छा कार्तिक चरखी कर रहे हैं, मतलब सही मंजा वापस ही लपेट रहे हैं इसमें। तो फ्रेंड्स हमें दिख नहीं रहा कैमरे पे क्योंकि धूप बहुत पड़ रही है, मंजा उड़ाते रहते खराब हो जाते हैं, मतलब जैसे पतंग उड़ाओ काटो वाटो तो घिस जाते, तो वो मंजा हटा दिया दूसरा से जो नया मंजा है वो चढ़ा रहा है इसमें। तो यहाँ पे कार्तिक ने चरखी करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब सही मंजा है वो चढ़ा दिया है चरखी में। ऐसे करते हैं जैसे कि पतंग कट गई है सारा मंजा छत पे फैला दिया, ऐसे सारा मंजा उलझ जाता है तो अच्छे से आ नहीं पाता है, तो फिर हमने एक इनको पकड़ाया एक मंजा इनको पकड़ाया तो चरखी अब अच्छे से हो गई है। निकाल सही कह रहे। सो फाइनली गाइस अभी मैं नीचे आ गया हूँ, और आज भैया पूरे दिन मैं छत पे रहा हूँ और आज मैंने पतंग उड़ाई है, और अभी मैं नीचे आया हूँ और अभी बज रहा है 6:30, तो शाम भी हो चुकी है और मम्मी बना रही हैं डायरेक्ट खाना क्योंकि चाय भी छत पे ही पिया आज मैंने सब पतंग। और गाइस आज मैंने करीब 20 पतंग काटी है और 20 पतंग लूटी भी है, और जो मेरी पहली की रखी जो हम 10 पतंगे लाए थे खरीद के उसमें से भी मेरी बहुत बच चुकी हैं। तो गाइस बहुत अब उसको कल परसों ऐसे उड़ाएंगे क्योंकि पेपर भी आ रहे हैं, तो ये सारी मैं ख़त्म कर दूंगा। और चरखी अर की अब मैंने रख दी है, आज गाइस मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो अभी चलते हैं देखते हैं मम्मी क्या बना रही हैं तो आपको दिखाते हैं आज के डिनर पे। सो गाइस अभी यहाँ पे मौली टीवी देख रही हैं, तो ये देखो
कौन सा गाना है ये, माशूका। और सो गाइस गर्मा गर्म कचौड़ी बन रही है, तो आप लोग को पानी आ रहा है मुँह में, तो आ जाओ जल्दी जल्दी खाने। और एक रसीली सब्जी भी है, और चलो अब आपको डायरेक्ट मिलते हैं खाने पे। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं सब लोग पूरी फैमिली मिलके खाना खाने, तो नुपु जी भी आ गई। यार नुपु जी ने 26 जनवरी का बाहर जाके शूट करा और घर में मैंने शूट करा आज, और खाना भी बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड्स हमने बसंत पंचमी का भी ब्लॉग बनाया है, तो वो आपको थोड़ा सा लेट देखने को मिलेगा, कार्तिक के चैनल शायद से पहले आ जाए, तो आप लोग वेट करिए। और कार्तिक के चैनल मेरा चैनल सब्सक्राइब कमेंट्स लाइक जरूर से कीजिएगा। और अभी गए 8:30 बजे का सब लोग खाना खाने जा रहे हैं, और आज का दिन बड़ा ही थकावट वाला था। और गाइस आज के दिन मैं पतंगे उड़ाते उड़ाते मेरे पैरों में बहुत ही दर्द हो रहा है, बस सो जाऊंगा मैं तुरंत, फिर कल सुबह स्कूल भी जाना है, तो आ जाओ तुम भी। तो आप लोग कैसा लगा व्लॉग, और आपको हैप्पी बसंत पंचमी अगेन और हैप्पी रिपब्लिक डे। तो अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब से कर दीजिएगा, और नुपुर जी का भी चैनल है आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी और नुपुर जी की इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, तो जरूर से फॉलो करना, वहाँ पे भी अच्छी अच्छी रीलें आती हैं। तो आप लोग ऐसे बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खाने के बाद अब हम लोग है ना सोने से पहले मूंगफली और रेवड़ी खा रहे हैं, तो जिसको खाना है तो आज